यार मुझे पर्सनली थंडरबोल्ट मूवी से कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, लेकिन अब लग रहा है कि मार्वल शायद कुछ अच्छा करने वाला है। पहले न्यूज ये आई थी कि मूवी में बकी और जेमो का कोई रोल नहीं होने वाला, जबकि कॉमिक्स में दोनों ही थंडरबोल्ट ग्रुप के लीडर रह चुके हैं। इस न्यूज के निकलने के कुछ ही दिन बाद ये भी रूमर्स आए थे कि मूवी का सारा फोकस येलेना के ऊपर होने वाला है। इसे सुनने के बाद मुझे लगा था कि मार्वल फिर से एक फीमेल सेंट्रिक मूवी बना रहा है, लेकिन अब ये अपडेट आई है कि मूवी में सेबेस्टियन स्टेन जरूर अपियर होंगे, और इसी के साथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्वल सुपर हीरो सेंट्री को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सेबेस्टियन का रोल एक केमियो की तरह होगा, जबकि सेंट्री शायद थंडरबोल्ट का मेंबर हो सकता है। हालांकि सेंट्री को अगर एक सोलो मूवी के जरिए इंट्रोड्यूस किया जाता तो फिर ज्यादा मजा आता, लेकिन मार्वल ने इससे पहले ब्लैक पैंथर को भी सिविल वॉर में इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। तो अब मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि सेंट्री का फ्यूचर एमसीयू में क्या होने वाला है। दूसरी न्यूज डीसी की तरफ से है, जिसके मुताबिक डीसी में अभी के टाइम पर वंडर वुमन को लेकर कुछ भी प्लानिंग नहीं किया गया है। वंडर वुमन मूवी के डायरेक्टर पैटी जेंकिंस ने ये बात कंफर्म की है, और जेम्स गन के मुताबिक वंडर वुमन के रोल में कौन सी एक्ट्रेस अपियर होगी इसे लेकर भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। गैल गैडोट ने कहा था कि वो इस रोल में रिटर्न करने के लिए रेडी है, लेकिन स्टूडियो किसी नए फेस को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड है। डीसीयू में ऑलरेडी पैराडाइज लॉस्ट के नाम से एक टीवी सीरीज का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसे आने में अभी और एक दो साल लग जाएंगे, तो ऐसे में वंडर वुमन की मूवी मिनिमम दो साल से पहले तो नहीं आने वाली। याद रखना, पैराडाइज लॉस्ट अमेजोनियंस के ऊपर बेस्ड है और इसका टाइमलाइन डायना के जन्म से बहुत पहले का है। तीसरी न्यूज फिर से मार्वल की तरफ से है, और ये अपकमिंग टीवी सीरीज डेयरडेविल से कनेक्टेड है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है, और ये कुछ सेट इमेजेस है जिसमें पनिशर को भी देखा जा सकता है। डेडलाइन के मुताबिक ये सीरीज सिर्फ दो सीजन के लिए होगी, यानी इसका थर्ड सीजन नहीं आने वाला। ये भी जान लो कि फैंटास्टिक फोर मूवी में सिल्वर सर्फर का रोल 30 साल की एक्ट्रेस जूलिया गार्नर निभाने वाली है, जिन्होंने इससे पहले द पार्क्स ऑफ बिंग एफ सनफ्लावर, सिन सिटी, द असिस्टेंट जैसी मूवीज में काम किया है। जूलिया दरअसल शाला बेल के रोल में अपेयर होंगी, जो कि ओरिजिनल सिल्वर सर्फर का एक फीमेल वेरिएंट है। इस डिसीजन को लेकर मार्वल को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और बात बहुत हद तक सही भी है। मुझे लगता है मार्वल को पहले ओरिजिनल वर्जन को स्क्रीन पे लाना चाहिए था, उसके बाद अगर वो फीमेल वर्जन को दिखाते तो फिर ऑडियंस की कोई शिकायत नहीं होती। इस मूवी को लेकर तुम्हारा क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।